हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ डॉक्टर सचिन गोस्वामी एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सचिन गोस्वामी इंग्लिश क्लासेस फ्रेंड्स एज यू नो वेरी वेल दैट आई एम रनिंग अ सीरीज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बी ए सेकेंड ईयर इंग्लिश एंड इन दिस सीरीज आई हैव टॉट यू यूनिट वन एंड इन दिस इन द यूनिट वन वी हैव कंप्लीटेड अ नंबर ऑफ टॉपिक्स एंड टूडे इज द लास्ट वन ड्रामेटिक मोनोल्यू और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारी ये प्ले है अगर किसी स्टूडेंट को इसका लिंक नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, ताकि आप प्रीवियस में जो मैंने आपको वीडियोस कराई हैं जो कंटेंट पढ़ाए हैं उनको अच्छी तरह से आप तैयार कर सकें और जो आपके साथी बी ए फर्स्ट ईयर के हैं उन्हें भी आप बता दें कि बी ए फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है कंप्लीट एक एक चैप्टर को आपको पढ़ाया हुआ है तो उसकी भी प्ले लिस्ट है उसको जाकर आप सभी वीडियोज़ को अच्छी तरह से स्टडी करें सो तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक ड्रामेटिक मोनोल्योग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये ड्रामेटिक मोनोल्योग क्या होती है ये एक लिटरेरी फॉर्म है जिसको ड्रामेटिक मोनोल्यूग कहा जाता है और ड्रामेटिक मोनोल्यूग बेस्ड पर कुछ पोएम्स होती हैं अब ये किस प्रकार की पोएम होती हैं जैसे कि आप ये शब्द देख रहे होंगे मोनोलॉग मोनोलॉग मोनो और लॉग दो शब्दों से तोड़कर बना मोनो का मतलब अकेले होता है और लॉग का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन तो एक तरह से ये अलोन कॉन्वर्सेशन होती है एक किस तरह की कविता जिसमें जो पॉइंट है जिसमें जो तो स्पीकर है द स्पीकर स्पीक्स एंड द लिसनर रिमेन्स साइलेंट दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोल्योग उसको क्या कहा जाता है उसको ड्रामेटिक मोनोलियोग जाता है तो लेट्स स्टार्ट सम फीचर्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोल्योग द नंबर वन पॉइंट इट इज अ काइंड ऑफ पोएम इन विच द स्पीकर स्पीक्स एंड द लिस्नर रिमेन्स साइलेंट ये एक इस प्रकार की पोयम होती है जिसमें स्पीकर बोलता है और जो लिस्नर है ही रिमेन्स साइलेंट वो शांत रहता है लिसनर इंटरेक्ट नहीं करेगा केवल स्पीकर बोलेगा लिसनर शांत रहेगा अब ये टर्म कैसे बना द टर्म मोनोल्यूग इज मेड ऑफ टू वर्ड्स मोनो एंड लॉग मोनोल्यूग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है मोनो एंड लॉग मोनो का मतलब क्या होता है मोनो का मतलब होता है अलोन एंड लॉग स्टैंड फॉर कॉन्वर्सेशन तो इसका मतलब क्या हुआ अ अलोन कॉन्वर्सेशन ये इस तरह की पोयम हुई जिसमें हम खुद वार्तालाप करते हैं अपने आप से वार्तालाप करते हैं कहने का मतलब स्पीकर अपनी बात रखेगा लेकिन जो लिसनर है वो एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं उनका कोई भी किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप हमें देखने को नहीं मिलेगा देर इज अ सिंगल पर्सन इन ड्रामेटिक मनोल्योग हु इंट्रैक्ट विद वन और दी अदर पीपल एक सिंगल पर्सन होता है ड्रामेटिक मनोल्योग में जो एड्रेस करता है एक या एक से अधिक लोगों को एंड बट देर इज नो इंटरप्रिटेशन मेड बाय द लिस्नर और द लिसनर्स जो श्रोता या श्रोता होते हैं उनके द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाता यानी कि किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता स्पीकर अपनी बात को अटर करता रहता है वो अपनी बात को एक्सप्रेस करता रहता है और लिसनर बिल्कुल शांत सुनता रहता है दिस इज ड्रामेटिक मनोल्युग अब हम बात करें कि ड्रामेटिक मोनोलुग को जो असली पहचान मिली वो कब मिली देखो ड्रामेटिक मोनोल्युग तो स्टार्टिंग से लिखी जाने लगी थी मेटाफिजिकल एज में भी ड्रामेटिक मोनोल्यूग लिखी गई जॉन्डन की आप कैनोनाइजेशन देखिए कितनी अच्छी ड्रामेटिक मोनोल्योग है गो एंड कैचे फॉलिंग स्टार देखिए जॉनडन की कितनी अच्छी ड्रामेटिक मोनोल्यूग है तो ड्रामेटिक मोनोल्युग तो स्टार्टिंग में स्टार्ट हो गई थी बट जो इसको हम कहें एक मेचोरिटी या पॉपुलैरिटी जो मिली ड्रामेटिक मोनोल्यूग के फॉर्म को वो मिली विक्टोरियन एज में जो विक्टोरियन एज है इंग्लिश लिटरेचर का उसमें इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली अब हम बात कर लेते हैं कुछ फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की इंग्लिश लिटरेचर में टेनिसन की यूलिस जो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइट रहे हैं विक्टोरियन एज के इनकी फेमस पोएम यूलिस है तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के रूप में मानी जाती है जिसमें यूलिस जो है आप जानते होंगे कि यूलिस इथाका ग्रीक का राजा था यूलिसिस कौन था यूलिसिस इथाका ग्रीक का राजा था एंड ही वॉज वन ऑफ द मेन हीरोज़ ऑफ ट्रोज़न वॉर ये ट्रोज़न वॉर का एक मेन हीरोज़ में से जाना जाता है यूलिसिस एक ऐसा युद्ध जो कि ग्रीक के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध रहा जो हेलेन की वजह से युद्ध चला था Helen, जो कि ऑफ स्पार्टा थी वो जो पेरिस के साथ अलॉपमेंट जिसका हो गया था उसकी वजह से युद्ध चला था उस युद्ध का हीरो टेनिसन था सॉरी तो यूलिस था लेकिन यूलिस इस पोयम में अगर जो हम देखें तो यूलिस हैज ग्रोन ओल्ड यूलिस बूढ़ा हो चुका है लेकिन केवल एज में बूढ़ा होना बूढ़ा होना नहीं होता Ulysses ये कहता है कि मैं अभी बूढ़ा हो नहीं हुआ हूं अभी तो मुझे बहुत कुछ जीना है लाइफ प्लाइड ऑन लाइफ इज टू शॉर्ट कि जीवन के बाद जीवन भी मिल जाए ना तो भी बहुत कम होगा और छोटा सा जीवन जो बचा है उसको मुझे जीना है कहने का मतलब ही इज अ काइंड ऑफ एडवेंचरस मैन एक साहसिक व्यक्ति है कौन यूलिस जो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना चाहता है आगे जाना चाहता है और उसको लगता है कि उसकी जो पत्नी है वो अब उसके लायक नहीं रही है क्यों बिकॉज शी हैज़ ग्रोन ओल्ड वो फिजिकली भी ओल्ड हो चुकी है वो मेंटली भी ओल्ड हो चुकी है ऑन द अदर हैंड यूलिस स्ट्रांग यूलिस अभी भी अपने आप को स्ट्रांग कहता है और फिर बात आती है लेकिन उसको चिंता होती है कि मैं चला जाऊंगा तो मेरे राज्य को कौन संभालेगा लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आता है और वो कहता है दिस इज माई सन माई ऑन टेलीमिकस टू हूम आई लीव दिस कैप्चर इन द आइल्स पूरा मेरा अपना जो राज्य है ये मैं छोड़ जाऊंगा किसके लिए अपने बेटे टेलीमेकर्स के लिए वो अपने सॉफ्ट मैनर्स से यहां के लोगों को सही रास्ता दिखाएगा और वो इस राज्य को संभालने में परिपूर्ण रहेगा तो मैं उसको छोड़ जाऊंगा तो दोस्तों ये जो पोएम है जिसमें स्पीकर यूलिस है और जो लिसनर है लिसनर कोई इंटरेप्ट नहीं करता लिसनर का कोई हसीब देखने को नहीं मिलता तो एक बहुत फेमस एक ड्रामेटिक मोनो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की माय लास्ट की बात करें तो इसके सेंट्रल स्पीकर आते हैं ड्यूक ऑफ फेरेरा जो कि ड्यूक है फेरेरा के और उनके लिए पड़ोसी राज्य के एक राजा के द्वारा एक संदेशवाहक को भेजा जाता है उनकी बेटी के रिश्ते के लिए और उस समय जो ड्यूक ऑफ फेरेरा है वो कहते हैं कि मुझे रिश्ते के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं और वो क्या दिखाते हैं वो अपनी पत्नी की जो पोर्ट्रेट है जो तस्वीर है उसे दिखाते हैं ऊपर ले जाकर उस मैसेंजर को और वो कहते हैं दैट्स माई लास्ट पेंटेड ऑन द वॉल एज लुकिंग इलाइव आई कॉल अ पीस ऑफ वंडर फ्रॉप पेंडोल्फ मेड बिजिली अडे एंड स्टैंड कि देखिए वो मेरी पिछली पत्नी है जो कि दीवार पर टंगी हुई है यानी कि उसकी तस्वीर टंगी हुई थी उसको वो कहते हैं और वो इतनी सुंदर लगती है इसका मतलब ये नहीं कि वो वास्तव में इतनी सुंदर थी वो कहते हैं कि इसको किसने बनाया था फ्रा पेंडोल्फ ने बनाया था फ्रा पेंडोल्फ जो कि इटली के महान एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं इटालियन पेंटर के रूप में जाने जाते हैं उन्होंने उनकी पत्नी की तस्वीर तैयार की थी और केवल एक दिन में तैयार की थी तो उस पोएम में बहुत सारी बातें वो अपनी पत्नी की बताते हैं उनको जो उनकी लास्ट ड थी उसके बारे में बताते हैं और वो उनकी आदतों के बारे में वो ये कहते हैं ओ स्माइल्ड नो डाउट आई पास टू हर श्रीमान इसमें कोई संदेह नहीं कि जब भी मैं उनके पास होकर गुजरता था तो वो मुझे देखकर मुस्कुराती थी लेकिन वो दूसरे ही क्षण ये कहते हैं कि श्रीमान जब कोई अन्य गुजरता था ना तो भी वो ऐसे ही मुस्कुराती थी एंड दिस ग्रू मच एंड आई गेव कमांड बहुत हो गया और मैंने कमांड दे दी और यहां पर कमांड का मतलब इन्होंने अपनी रानी की हत्या करा दी तो ये कहानी बनती है माय लास्ट डेज की कभी मौका मिले तो दोस्तों पढ़ना इस कहानी को तो बहुत अच्छी पोयम है तो माय लास्ट डेज ऐसे ही यूलिसिस पोएम है ऐसे ही टी एस एलियट का लव सॉन्ग है जो कि ड्रामेटिक मलयुग है जिसका सेंट्रल स्पीकर है प्रूफ्रॉक प्रूफ्रॉक जो कि एक वृद्ध व्यक्ति है लेकिन उसको एक युवा लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़की एक प्रॉस्टिट्यूट होती है उससे प्यार हो जाता है लेकिन जो प्यार है वो उम्र कहाँ देखती है तो ऐसे ही प्रूफ रॉक को प्यार होता है और प्रूफ रॉक के मन में एक डाउट होता है कि मैं इस लड़की को प्रपोज कैसे करूं कैसे में इसे प्रपोज करूं तो वो उसके मन में एक पिक्चर चलती है वो कहता है लेटस गो देन यू एंड आई वेन द इवनिंग स्प्रेड आउट लेट्स लाइक अ पेशेंट कि चलो हम और तुम चलते हैं और मैं, मतलब वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि चलो तुमर में चलते हैं और शाम का समय वो उसके लिए स्पेसिफिक मानता है कि शाम का समय जो है वो लवर्स के लिए स्पेसिफिक होता है तो हम उसी समय चलेंगे और इस प्रकार से खो जाएंगे जैसे एक मरीज होता है ना जब वो बीमारी में केवल उसको बीमारी तक अपनी इलनेस तक सेंटर्ड रहता है उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता उस प्रकार के प्रेमियों की तरह वह खो जाना चाहता है जो प्रूफ रॉक है और बहुत सारी बातें हैं वो इजहार करना चाहता है अपनी प्रेमिका से लेकिन उसकी वृद्धावस्था उसकी कमजोरी उसको विवश कर देती है सोचने के लिए कि करे या ना करे बहुत सारी चीजें वो सोचता है कहता है कि मैं अपने जिंदगी के तौर तरीके चलो बदल देता हूँ आई शैल चेंज द डेज एंड वेज ऑफ माई लाइफ और इसके बाद उसको लगता है कि जो लड़कियां हैं उनको ऐसे लड़के पसंद हैं जो पीछे की तरफ बाल काटते हैं तो वो कहता है शैल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड क्या मैं अपने बाल पीछे की तरफ काढ़ लूं और इसके अलावा वो ये कहता है कि क्या मुझे अपनी पतलून को नीचे से मोड़कर पहनना चाहिए क्योंकि मुझे मैं मैंने सुना है कि लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद हैं जो अपनी पतलून को नीचे से मोड़कर पहनते हैं और इसके अलावा हद तो तब हो जाती है जब ये वृद्ध व्यक्ति ये कहता है डू आई डेयर ईट एंड पीच क्या मैं आड़ू खाने की हिम्मत दिखा दूं ये व्यक्ति आड़ू भी नहीं खा सकता ये जो प्रूफ रॉक है ये आड़ू भी नहीं खा सकता लेकिन चला क्या करने है इश्क को लड़ाने ये चला है और अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने चला है जिसे प्यार करता है लेकिन बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं करूँ ना करूँ लेकिन लास्ट में वो सोचता है मैं वृद्ध हूँ मैं नहीं कर सकता और अपनी तुलना वो शेक्सपियर के एक लेजेंड से कर देता है जो शेक्सपियर के नाटकों में आपने देखा होगा शेक्सपियर का एक फेमस प्ले है हेमलेट उसमें हेमलेट की भी कंडीशन यही है कि करूँ या ना करूँ सेम सिचुएशन ये कहता है आई एम नॉट प्रिंस हेमलेट और मेन टू बी मैं राजकुमार हेमलेट तो नहीं हूं और ना ही मैं राजकुमार हेमलेट बन पाऊंगा क्योंकि हेमलेट के दिमाग में एक वो था डाउट था कि मुझे अपने चाचा को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए वो इस उहपूह में मतलब उसका पूरा जो प्ले है वो चलता है ऐसे ही यहां पर प्रूफ्रॉक के माइंड में चल रहा है लेकिन वो कहता है कि हेमलेट ने तो डिसीजन ले लिया लेकिन मैं शायद नहीं ले पाऊंगा तो वो उसको यही लगता है फिर वो कहता है कि आई शेल वाइट ट्राउजर। कि मैं तो क्या करूंगा एक चोड़ीधारी वाला सफेद पजामा पहन लूंगा और समुद्र तट पर घूमने लगूंगा लेकिन कहते हैं ना कि फितरत जाती नहीं है लास्ट में फिर उसके मन में ख्याल आता है कि मैंने सुना है कि समुद्र में तो जलपरियां रहती हैं कि क्या वो मेरे लिए भी गाएंगी मुझे नहीं लगता मेरे लिए वो गा पाएंगी तो वो ऐसी बातें सोचता है तो कहने का मतलब जो हमारी जो जीवन होता है हमारे जीवन में बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो हमें अपनी तरफ जागृत करती हैं और जितना हमें अपनी तरफ खींचती हैं जितना खींचती हैं हम उतना ही उनमें डूब जाते हैं बह जाते हैं तो दोस्तों ये थी ड्रामेटिक मोनोल्यूब उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो या फिर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें थैंक यू वेरी मच योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी